दिल्ली सरकार का तीसरा बजट पेश किया जा रहा है। 6 मार्च से दिल्ली विधानसभा का 5 दिवसीय बजट सत्र शुरू हुआ है जो अब 10 मार्च तक चलने वाला है। और देखिए, माना तो ये भी जा रहा है कि इस बार का बजट दिल्ली नगर निगम चुनावों को ध्यान में रखकर बनाया है। फिलहाल आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं सभा की। इस तरह के कुछ काम उनका मैं उल्लेख करूंगा। एक ऐतिहासिक निर्णय करते हुए हमारी सरकार ने हाल ही में अर्ध कुशल और कुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में करीब 37% की बढ़ोतरी की है। अकुशल मजदूर को अब 9,724 रुपए प्रतिमाह के स्थान पर 13,350 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। अर्धकुशल श्रमिकों को 10,764 रुपए प्रतिमाह की जगह 14,698 रुपए और कुशल श्रमिकों को 11,830 की जगह 16,182 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। ये देश में पहला अवसर है जब न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए वैज्ञानिक तरीका अपनाया गया। इसी तरह वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन में सहयोग के लिए कदम उठाते हुए हमारी सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन में 1,000 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की है। विकलांगजनों और विधवा महिलाओं की पेंशन राशि भी 1500 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति माह की गई है। एक नए और प्रायोगिक उपाय के रूप में हमारी सरकार ने बेघरों के लिए 10 लैंड बसेरों में स्किल डेवलपमेंट कोर्स शुरू किए हैं। इन स्किल डेवलपमेंट कोर्स में जो बेघर लोग हैं, जो हमारे यहाँ रात बिताने भर के लिए आते हैं और दिन में कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, उनको हम ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। उन्हें सिलाई, खाना पकाना, सौंदर्य प्रसाधन सेवाएं, प्लम्बर आदि का जो काम वो करते हैं उसके काम में हम उनको औपचारिक प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। ये हमने एक नया प्रयोग शुरू किया है। प्रत्येक रैन बसेरे में 25 बेघरों के एक बैच को प्रशिक्षित किया जा रहा है और 120 घंटे का प्रशिक्षण पूरा करने पर हम उसको सर्टिफिकेट भी देंगे। इस कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के बाद इसका विस्तार बाकी रैन बसेरों में भी किया जाएगा। अभी 10